हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। पहला वाला वीडियो पार्ट वन एंड पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर फोर तो किया था। पार्ट वन में फुल कॉन्सेप्ट दिया एसीएफ एंड एलसीएम का, एंड पार्ट टू में भी थोड़ा कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब पार्ट थ्री, ये वीडियो पार्ट थ्री होगा, इसमें क्वेश्चन फाइव से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, इसीलिए आप वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखना जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। अगर किसी को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल का आइकॉन भी दे दीजिए, तो आप जरूर अपलोड हो जाएगा, तो आपको मैसेज मिल जाएगा। इफ़ दे आर थ्री नंबर्स, इफ थ्री नंबर्स आर टू ए, फाइव ए एंड सेवन ए, व्हाट विल बी दे आर एलसीएम। ओके, तो इसमें देख लो एलसीएम क्या होगा, वेरी इजी है। ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क में आया था, बैंक क्लर्क का जो एग्जाम था 2011 में आया था। अच्छा ही क्वेश्चन है, टू ए है, फाइव है, सेवन है, इसमें 20, 50, 70 ऐसा नहीं है, ए दे दिया, एक अननोन नंबर दे दिया। तो कैसे आपको पता करेगा, तो मान लीजिए टू ए, फाइव है, सेवन है, तो इसके एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ये जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, ए तो कॉमन है ना। तो मैंने क्या बताया था पहला वीडियो में, वीडियो पार्ट टू में जाओ, अब मैं और पार्ट वन में जाओ, मैं अच्छी तरह से समझा दिया। जब एलसीएम आप फाइंड करना होगा आपको, तो आपको क्या करना है, देखिए वीडियो पार्ट वन में, वीडियो पार्ट वन में जाइए, उसमें एलसीएम कैसे निकालना होगा, कॉन्सेप्ट होगा, आप पूरी अच्छे तरह से मैंने बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और ट्रिक्स भी दे दिया। तो इसमें टू ए, फाइव ए, सेवन है, तो उसमें ज़्यादा कौन सा है, सेवन है। तो सेवन के अगर इस तरह का डिवाइड होगा तो ए डिवाइड हो जाएगा, लेकिन टू और फाइव नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए टू और फाइव प्राइम नंबर है ना, तो इसे क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, ओके, और मल्टीप्लाई ए, तो ए हो जाएगा सेवेंटी ए, सेवेंटी ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, ए सी एफ ऑफ टू नंबर्स। ओके, ए सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड दे आर एल सी एम इज 225। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 75, देन फाइंड द अनदर नंबर। ये क्वेश्चन एस एस सी सी जी एल 2010 में आया था। ये क्वेश्चनटा एस एस सी सी जी एल 2010 ছিল, একটা নাম্বার দিয়েছে এই সি এফ 15 আর এলসিএম দুটো নাম্বারের এই সি এফ দিয়েছে 15 আর এলসিএম দিয়েছে 225। তাহলে একটা নাম্বার যদি 75 হয় তাহলে অন্য নাম্বারটা কত হবে, বোঝা গেল। তো ই হে কোশ্চেন, সমঝ পাই না না। তো এক যে ফর্মুলা হে এই সি এফ এন্ড এলসিএম কাজ রিলেশন হ্যাঁ, ও আপনি ইয়াদ রাখনা পড়েগা, ক্যা হে প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস, প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস, नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एल सी एम, प्रोडक्ट ऑफ ए सी एफ एंड टू एल सी एम। ओके, मतलब इफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स सच ए मल्टीप्लीकेशन गुण, एंड दे आर ए सी एफ इंटू एल सी एम। ओके, ये है ए सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, मान ले टू नंबर्स क्या है 15, ए सी एफ ऑफ टू नंबर्स 15 और एल सी एम क्या है 25, तो इसमें बैठा दो ए सी एफ क्या है 15 और एल सी एम क्या है 225। ओके, 225, और तो प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर इज 75, देन अनदर नंबर इज व्हाट विल बी, तो अनदर नंबर इज कितना होगा, अनदर नंबर इज 15 मल्टीप्लाइज बाई 215 अपॉन 75। ओके, तो ये हो ना बात, तो 15 कितना होगा, 15 फाइव 75 और 5 5 4 20 5 5, मतलब 45, ये हो गया 45, क्लियर। तो ये हो गया आंसर, मतलब 45 इज द, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या, तो ये आपको याद रखना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इफ नंबर्स टू नंबर्स इज एक्स वाई और ए बी, एनी टेक एज यू देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड दे आर प्रोडक्ट ऑफ ए सी एम एंड एल सी एम ऑफ द टू नंबर्स, क्लियर। अब क्वेश्चन सेवन, अब क्वेश्चन नंबर सेवन है, द डिफरेंस
ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस मीन्स माइनस, ओके, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1/9 ऑफ देयर सम, देयर सम इज 45, फाइंड द एलसीएम। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2007 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है मैंने सिलेक्ट किया है, तो वीडियो पार्ट 3 में है, ये पार्ट 4 भी आएगा, तो इसीलिए देखना जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, तो ये डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो लेट टू नंबर्स नॉट मेंशन हियर, टू नंबर तो कहने बोला नहीं। ओके, तो सो हमारा दो नंबर धोए नो, वी आर एज्यूम टू नंबर्स, तो टू नंबर्स लेट्स एक्स एंड वाई, इफ एफ लेट लेट्स एक्स एंड वाई आर द टू नंबर्स। ओके, दो नंबर एक्स एंड वाई यू आर एज्यूम, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस सम इज कितना 45, देयर फॉर एक्स प्लस वाई विल बी 45। ओके, एंड डिफरेंस मीन्स एक्स माइनस वाई, डिफरेंस व्हाट विल बी द डिफरेंस इज 1/9, मतलब 1/9 ऑफ ऑफ मीन्स इनटू ऑफ देयर सम, ऑफ मीन्स इनटू द इनटू सम, सम कितना हो 45, मतलब ये हो जाएगा 45, क्योंकि 45 इज द सम। ओके, तो ये हो जाएगा 9/45, मतलब ये 5 हो गया, तो x माइनस वाई कितना हो गया 5 हो गया। आप x प्लस वाई मिल गया 45, x माइनस वाई आपको मिल गया 5, तो x प्लस वाई 45 एवं x माइनस वाई 5, ये दोनों मिल गया, ये दोनों से एलिमिनेशन करके x एंड y का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो निकालो x प्लस वाई x माइनस वाई का ओपोनेंट पद्धति करे x वाई मान बार को नाओ, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, आप x प्लस वाई कितना हुआ 45 था और x माइनस वाई 5 था, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो प्लस और माइनस वाई काट गया, इसमें 45 और 5 एडिशन आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना 50/2 मीन्स 25, तो x हो गया 25। ओके, तो आप y कितना होगा बताओ, तो y हो जाएगा, किसी का एक में बैठा दो तो 45 माइनस वाई, मतलब 45 माइनस 25 मीन्स 20 हो गया, तो y का हो गया 20, तो टू नंबर्स आर देयर फॉर टू नंबर्स आर कितना हुआ, एक हुआ 25 और एक 20, दोनों नंबर मिल गया। आप क्या निकालना था क्वेश्चन में, क्या निकालना था क्वेश्चन में था देयर सम फाइंड द LCM, LCM आपको निकालना होगा, तो पहले कुछ नंबर तो निकल गया 25 एंड 20, तो अब इस 25 और 20 से कौन सा नंबर LCM होगा, तो आप देखो 25 और 20 इसमें कर दो, क्या चाहिए 5 5 25 5 4 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, मतलब 5 × 5 × 4 ये हो गया 5 5 25 5 5 4 20 20 25, मतलब ये हो जाएगा 100, क्लियर। तो ये हो गया LCM, तो ये हो गया LCM, तो करेक्ट ऑप्शन इज 100, 100 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा पूरा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6, मतलब टू नंबर्स आपको दे दिया है एंड देयर रेशियो इज मेंशन हियर 5:6 एंड देयर LCM इज 4/8, LCM भी दे दिया है, देन देयर ACF व्हाट विल बी, ACF आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में बताया ACF फाइंड करना है, LCM दे दिया है, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो पहले, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, जो टू नंबर्स है उसका रेशियो दे दिया 5:6 वन देर 480 दे दिया है एंड इसे पीना होगा, तो आपको मान लीजिए एक वन नंबर इज 5x तो अदर नंबर इज 6x, ठीक है। इफ वन नंबर आप ऐसा कर सकते हो इजीली, इफ वन नंबर इज 5x देन अदर नंबर कितना होगा 6x, समझ में आया ना, देन वन नंबर इज 5x देन अदर नंबर इज 6x, ओके हो गया, अब टू नंबर 5x एंड 6x हो गया, एंड यू नो प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, ओके, HCF मल्टीप्लाई LCM। पहले थोड़ा पहले मैंने बताया क्वेश्चन में LCF HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द HCF, दे आर HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दे आर टू नंबर्स, ओके। तो आप क्या है 5x6 है, तो इसका HCF कितना होगा, 5x6 का HCF कितना होगा, x ही होगा, हाइस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। LCM कितना होगा बताओ, LCM कितना होगा, इसका LCM कितना होगा बताओ, LCM कितना होगा, LCM दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में गिविन मतलब दवा अच्छे क्वेश्चन में दे दिया है ना, LCM इज 480, तो इसमें बैठा दो 480। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 5x, जो एज्यूम किया रेशियो दे दिया था, एज्यूम किया 5x मल्टीप्लाई 6x। आप इससे क्या करना है, xx तो कैंसिल हो जाएगा है ना, xx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, x इक्वल्स 480 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 48 मतलब 80। तो x कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है, सॉरी इसमें तो 5 और 6 है ना, तो 5 और इसमें तो 5 और 6 है, लेकिन इसमें तो 5 भी है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 और 5 दे दो, क्या बात है, तो मतलब ये हो जाएगा 16, क्लियर, ये 16 हो गया, तो एक 16 हो गया, मतलब देन दे आर HCF, हाउ विल बी द दे आर HCF, देन HCF इज x, और दैट इज 16 इज द HCF, क्लियर, तो 16 इज द HCF, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9, 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 10:12:15:18, 4 नंबर इज गिवन हियर, उसका रेशियो क्या है 10, 12, 15, 18, तादर इफ देयर HCF इज 3, HCF 3 है, देन फाइंड देयर LCM, LCM कितना होगा ये बताना होगा। तो पहले जैसे क्वेश्चन दिखाया ना, इसी हिसाब से होगा, तो 10 ये क्वेश्चन किया 10, 12, 15, 18, तो मान लो इफ वन क्वेश्चन, इफ वन इज 10x, देन अनदर इज 12x एंड अनदर इज 15x एंड दिस इज 8x, 4 नंबर हो गया, 10x, 12x, 15x, 18x, तो क्या हो जाएगा, इसका HCF कितना होगा, HCF x ही होगा है ना, HCF x ही होगा, कॉमन x होगा, और LCM कितना है बताओ, अब LCM कितना होगा, LCM हो जाएगा, ये x तो रहेगा ठीक है, और 10, 12, 15, 8, इसका LCM कर लो, क्या हो जाएगा 2, 6, 15, 9 हो गया। आप ये कर लो 5, 3, 2, 6, 3, 5, 3, 9 हो गया, आप 5 है ना, 5, 1, 2, 1, 3 और तो नहीं है, तो क्या गया 2, 3 मल्टीप्लाई 5, 2, 3, क्या हो जाएगा 2, 3, 6, 5, 36, मतलब 180, तो कितना हो जाएगा ये 180 और x, LCM हो जाएगा ये और HCF हो जाएगा ये, इसमें क्लियर है ना, 2, 3, 2 × 3 × 5 × 2 × 3 हो गया 180, तो 180 और x, ए LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा, आप तो बता दिया ना HCF इज 3, तो HCF इज 3 मीन्स x3, ओके, HCF 3 मीन्स की x3 हो गया, तो x3 हो गया, इसमें बैठा दो, तो LCM कितना हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 3, मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 180 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 3 540, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आप चलो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन देखो, इफ द HCF ऑफ ए एंड बी, मतलब ए बी टू नंबर्स दे दिया है गिवन, अननोन नंबर्स, ए एंड बी तो यू डोंट नो, दैट इज अननोन नंबर, तो दिस टू अननोन नंबर्स के HCF दे दिया है 12, एंड ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स क्या है, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और इंटीजर्स मीन्स 1, 2, 3, 5, 6 जो भी हो सकता है, लेकिन ऑल आर पॉजिटिव है, ओके, एंड
सच दैट नंबर से ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, मतलब दो नंबर हो सकता है लेकिन दो नंबर है ग्रेटर देन 12 और ए नंबर बी से ग्रेटर देन, क्लियर। ए भी दोनों नंबर ही 12 से ग्रेटर देन लेकिन ए भी बी से भी ग्रेटर देन, ओके। देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये है क्वेश्चन। मैंने बोला आछे जे ए बी दुटो अननोन नंबर, से दुटो अननोन नंबर हाइस्ट कमन फैक्टर गसागु 12 এবং সেই দুটো নাম্বার হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ বড় পূর্ণ সংখ্যা, এবং দুটো পূর্ণ সংখ্যাই 12 হচ্ছে বড় এবং তার মধ্যে এটা আবার বি এর থেকে বড় হলে তাহলে এ এবং বি এর ভ্যালুটা কত হবে, এটা হচ্ছে কোশ্চেন, ওকে। তো ইয়ে হাম হিট অ্যান্ড ট্রায়াল, ওকে, বাই হিট অ্যান্ড ট্রায়াল মেথডে করুঙ্গা, ইয়ে বহুত আপকো আসানি সে হয়ে যায়, আপ দেখ লো বাই হিট অ্যান্ড ট্রায়াল। हिट एंड ट्रायल मेथड कर लो, हो जाएगा, ओके। मतलब हिट एंड ट्रायल मीन्स ऑप्शन के देख ले, चेक कर लो ना, दोनों नंबर पहले देख लो, ए बी ग्रेटर देन 12, ये दोनों ग्रेटर देन 12 कौन सा वाला है पहले देख लो। ये तो 12 एंड 24, 12 तो ग्रेटर देन है लेकिन 12 तो ग्रेटर देन नहीं है, क्योंकि ए बी जो दोनों नंबर है दोनों नंबर 12 से ग्रेटर देन होगा, दोनों नंबर ग्रेटर देन 12 नॉट इक्वल टू 12, इक्वल 12 भी नहीं होगा, लेकिन इसमें तो एक 1 इक्वल हो गया, इसमें भी 1 इक्वल है, तो ए बी तो नहीं होगा ना, ए नहीं होगा बी नहीं होगा, आप क्या है सी और डी के बीच में कोई भी होगा, आप सी होगा आइदर डी होगा, ठीक है। तो सी होगा ना डी होगा, ये आप क्या समझ में आ जा, क्या दिया है ए ग्रेटर देन बी, तो ए तो नहीं होगा बी तो नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन से पता चल जाएगा, ऑप्शन से ही पे जाए कौनटा इम्पोर्टेंट कौनटा करेक्ट आंसर, तहले सी और डी एर मध्य कौन एक है, तो सी डी ए हुई इज करेक्ट, तो सी डी में जो है 24-30 दोनों 12 का ग्रेटर देन है, ठीक है। आप देखो क्या है ए ग्रेटर देन बी है, तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो क्या है ए ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन 12 है, इसमें दिया है, तो अगर ए मान लो 36 और बी मान लो कितना, बी मान लो 24, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और उसका भी ये कर लो उसका भी, तो आप ए शेप निकालो, ए शेप 12 आ जाएगा, 12 हो गया ना पूरा क्लियर। तो ये हो गया ए बी ग्रेटर देन 12, ए 36 बी 24, तहले ए बी से ग्रेटर देन 36 12, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। ये ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी में आया था 2012 में, क्वेश्चन देख लो, ठीक है, आरआरबी 2012 में आया था क्वेश्चन एग्जाम में, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो मतलब वीडियो पार्ट टू में, वीडियो पार्ट टू में मैंने बताया था ट्रिक्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है देख लीजिए, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1356, 1868 एंड 2764, लिविंग 12 एज रिमाइंडर इन ईच केस, क्लियर। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो ग्रेटेस्ट नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करने के बाद कौन सा रिमाइंडर रह जाएगा 12, क्लियर। वो ग्रेटेस्ट नंबर इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद कौन सा रिमाइंडर रहेगा 12, ओके। वो ग्रेटेस्ट नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद कौन सा रिमाइंडर रहेगा 12, तो इन ईच केस 12 रिमाइंडर रहेगा, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जिस जो ग्रेटेस्ट नंबर तीनों नंबर को डिवाइड करने के बाद 12 रिमाइंडर रहेगा, ये है क्वेश्चन, बुझा गया। मैंने तुम्हें बृहत्तम संख्या बार करते जे बृहत्तम संख्या बांगला एक दी যারা বাঙালি আছে তারা ভালো করে শুনে না বুঝে নাও, যে এমন একটা বৃহত্তম সংখ্যা বার করতে হবে যে বৃহত্তম সংখ্যাটা এই তিনটে সংখ্যাকে ভাগ করবে, তিনটে সংখ্যাকে ভাগ করার মানে একে প্রথমে ভাগ করবে, ধরো ভাগ করার পরে যে অবশিষ্ট থাকবে সেটা হচ্ছে 12, আবার সেই বৃহত্তম সংখ্যাটা যদি একে ভাগ করো তাহলে অবশিষ্ট হবে 12, সেই বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে আবার যদি তুমি এই একে ভাগ করো তাহলে অবশিষ্ট হবে 12, মানে প্রতিটা কেসটি অবশিষ্ট 12 থাকবে, তাহলে সেই বৃহত্তম সংখ্যাটা কত সেটাই বলছি, হোয়াট উইল বি দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার, বৃহত্তম সংখ্যাটা কত, ক্লিয়ার। তো এই কোশ্চেন দিল্লি পুলিশ মেয়া আছে 2007 মে, ওকে, দিল্লি পুলিশ 2007 মে আয়া থা, ক্লিয়ার। তো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হ্যাঁ, ইয়ে জায়সা আয়া থা আরআরবি 2012 মে, ওকে। তো আপ দেখো এ পেহলে ট্রিক্স দিয়া থা, যো ট্রিক্স কিয়া থা ইসকা ট্রিক্স থা গ্রেটেস্ট নাম্বার উইল বি দ্য হুইচ ডিভাইডস দ্য নাম্বার एक्स वाई जेड लिविंग नंबर्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली ए से भी ये है, आपको मैं दिखा रहा हूँ पहले वाला वीडियो में मैं किया था, ये है ट्रिक, ट्रिक मीन्स टेक्निक मीन्स
टेक्निक मीन्स ट्रिक, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स द नंबर्स एक्स वाई जेड लिविंग रिमाइंडर्स ए बी सी रेस्पेक्टली। तो एक्स से ए माइनस होगा, वाई से बी माइनस होगा, जेड से सी माइनस होगा, तो इसका ए सी एफ हो जाएगा। इसमें तो नंबर तो हर 12 है, मतलब ए भी 12, बी भी 12, सी भी 12 है। क्लियर, क्लियर है ना। तब क्या है, तीनों नंबर से 12 भी माइनस होगा, तो मतलब क्या है, इसीलिए ये है वीडियो पार्ट टू में, ठीक है, ए सी एफ एल सी एम का वीडियो पार्ट टू में। इसीलिए अगर इसको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके देखो एप्टीट्यूड रीजनिंग जो लिस्ट है उसमें जा करके सर्च करो, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ए सी एफ एल सी एम का वीडियो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री सब मिल जाएगा। ओके, तो आप 12 यहाँ से, तो ए सी एफ क्या क्या हो जाएगा इसका, तो ए सी एफ हो जाएगा, ए सी एफ तो रिक्वायर्ड नंबर होगा, तो रिक्वायर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा ए सी एफ ऑफ 1356 माइनस 12, ठीक है, माइनस 12 हो गया। अब क्या है 1868 माइनस 12, ओके। अब ये है 2764 माइनस 12, पूरा क्लियर, ये हो गया। ये तीनों जो नंबर रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो होगा तो उसका ए सी एफ निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, ए सी एफ ऑफ इसका माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4134, ठीक है। ये हो जाएगा 12 6 और 1, मतलब ये 5 और ये होगा 6, मतलब 1856, ठीक है, 1856। और क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2 मतलब 1, मतलब ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 से 2 माइनस होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका ए सी एफ निकालना होगा, क्लियर है। तो इस तीनों नंबर का ए सी एफ निकल जो निकलेगा वही होगा रिक्वायर्ड नंबर, मतलब वही नंबर होगा ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों नंबर का डिवाइड करेगा। ये है ट्रिक्स, मैंने बता दिया पहले, ठीक है ना। तो आप तीनों नंबर का ए सी एफ कैसे निकालोगे वो भी मैंने बताया वीडियो पार्ट टू में, इसीलिए वीडियो पार्ट वन पार्ट टू अच्छी तरह से देख लो। अगर कोई ये वीडियो पार्ट थ्री डायरेक्ट देखोगे तो आप पार्ट वन पार्ट टू देख लो तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है, मिल जाएगा। पार्ट वन पार्ट टू में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया। तो देखो, प्लेलिस्ट में जाओ और सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ सर्च करो। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं आए हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन देने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप तीनों नंबर का ए सी एफ कैसे निकालो वो भी मैंने वीडियो पार्ट वन पार्ट टू में दिखा दिया, इसलिए वीडियो पार्ट टू में जाओ और वहाँ सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो नंबर है इसको यहाँ से डिवाइड कर लो, तो 1856। इस नंबर को भी आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, तो पहले जो है इसको भी इससे डिवाइड कर लो, ये नंबर टाके यही नंबर द्वारा भाग करो, कत हो भाग कर ले 1 हो जाएगा 1344, वो किया आप क्या होगा 2, और ये हो गया 1, ये हो गया 5538। आप इसको 1344 यहाँ बैठा दो, ठीक है, 512 से यहाँ डिवाइड होगा, कितना होगा 1 तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा 2 5, 3 हो गया 15, ज़्यादा 3 मल्टीप्लाई करो 15 हो गया, इसे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करो 4 2 10, क्लियर। आप इसको सबट्रैक्ट करो 0 2 3 320 हो गया, आप क्या है 320 हो गया, ये 320 512 यहाँ बैठा दो, ये 512 के इससे डिवाइड कर लो, 2 मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा आएगा 506 हो जाएगा, 512 का ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें 1 बैठा दो 320, क्लियर। 320 से क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 192, आप 320 तो इसमें भी कितना होगा, इसमें भी 192 हो गया ना, आप 192 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 192 से बैठा हुआ तो कितना हो जाएगा, 192 से माइनस कर लो 8, ठीक है, 8 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, आप 192 को डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 4 3 6 64, ठीक है। अब 64 इसमें तो नहीं आ रहा है, तो इसमें 64 आ गया, आप 60
फोर 128 के डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं इस बाद में दे 64 से किसको डिवाइड होगा, 128 को, तो 128 को 128 को 64 से डिवाइड कर लो, तो क्या होगा, 64 से 128 को डिवाइड करने के बाद 2 हो जाएगा, मतलब इसमें भी हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 128, मतलब ये क्रॉस हो गया, तो ये हो गया 64। तो सो ये दो नंबर का 1344 एंड 1856, ये दोनों नंबर का, ये दो नंबर का ए शेप कितना हुआ, 64 हो गया ए शेप। तो ए शेप को निकालने का तो बहुत ईजी होगा, अच्छी तरह से समझे ना, इसको इस नंबर से डिवाइड करो, वो जो आ जाएगा इसको यहाँ लग दो, इससे डिवाइड करो, वो हो गया। अब 320 के 512 से डिवाइड करो, और 512 को हो गया 92, अब इसमें 192 डिवाइड करेगा 320 से, ऐसा होगा। तो जो क्रॉस होगा मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो ये 64 हो गया आपका ए सी एफ, क्लियर। ये हो गया ये दो नंबर का ए सी एफ, आप 64 से दो नंबर का जो ए सी एफ हुआ, ये ए सी एफ इसको डिवाइड करेगा 2752 को, ओके। तो आप डिवाइड करो तो क्या होगा, देखो तो ये हो जाएगा 2752 और 64 था, तो 64 से 2752 कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 कितना होगा, 24 25, तो ये हो जाएगा 1 और 2, 2 आप इसमें बैठा दो, 3 4 2 3 3 8 19 21 192, ये तो नहीं होगा भाई, 1 हो जाएगा, 5 6 1 हो जाएगा, 5 6 6, मतलब ये 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। ये 1 ये कितना हो गया, एक सेकेंड, ये कितना हो गया, ये हो नहीं हुआ, 6 5 से 6 275 से 256 माइनस करो कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9 6 15 5 6, 1 9 हो गया और 2 हो गया, ठीक है, 192 हो गया। अब 192 के डिवाइड ये करो, 192 के 2 करने से क्या होगा, इसमें 3 बैठा दो, 3 तो बैठा दिया, 3 हो गया, 3 6 2 और 3 6 18, 192 ये क्रॉस हो गया, तो मतलब 64 हो गया ए सी एफ, ओके। तो क्या होगा, आप इस नंबर से इस नंबर के डिवाइड किया, डिवाइड से हमको इस दोनों नंबर के ए सी एफ मिल गया 64, आप ये 64 ए सी एफ दोनों नंबर के ए सी एफ 64 से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ गया, अर्थात ये हो गया आपका फाइनल ए सी एफ, तीनों नंबर का, थ्री नंबर का जो ए सी एफ हुआ ये 64, क्लियर। तो सो तीनों नंबर का ए सी एफ मतलब व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 64, 64 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, प्रो क्लियर, 64 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रो क्लियर। अब क्वेश्चन 12, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, देखो इसमें फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा आपको, दैट ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स 130, 305, 305 एंड 245, तीनों नंबर को डिवाइड करेगा एंड रिमाइंडर लीव करेगा, जब 130 को डिवाइड करेगा तो अब 6 रिमाइंडर रह जाएगा, 305 305 को जब डिवाइड करेगा तो 9 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 देन रिमाइंडर विल बी 17, क्लियर क्लियर है ना। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 130, 305 एंड 245 लिविंग रिमाइंडर 6, 9 एंड 17 रेस्पेक्टिवली। तो पहले जैसा क्वेश्चन मैंने दिखाया अभी थोड़ा पहले, तो उसी नंबर के है, सेम थोड़ा सेम ही है, इसमें इन ईच केस 12 रिमाइंडर था, लेकिन इन ईच केस 12 रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर थोड़ा अलग है, तो उसी हिसाब से होगा, इसमें भी सेम होगा, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 130, मतलब ए सी एफ ऑफ 130 माइनस 6, और 305 को जब डिवाइड किया तब रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर 9, तो 9 इसमें से माइनस होगा, और 240 ग्रेटेस्ट नंबर जब 245 को, ये ग्रेटेस्ट नंबर जब 245 को डिवाइड किया तब रिमाइंडर कितना रहेगा, 17, तो क्या हो जाएगा 245 माइनस 17, पूरा क्लियर। तो ये तीनों नंबर का जो ए सी एफ होगा वही होगा ग्रेटेस्ट नंबर, क्लियर। तो आप ए सी एफ क्या हो जाएगा,
HCF ऑफ 130 मतलब माइनस सिक्स मतलब 124, क्लियर। ये हो गया 124 और ये हो जाएगा 296, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 17 8 8 7 15 और 2 28। ये हो जाएगा, ये तीनों नंबर का जो ए सी होगा वही होगा फाइनल रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस थ्री नंबर्स। तो आप तीनों नंबर का ए सी एफ आप तो निकालना होगा, अब इसका तो ए सी एफ आप निकाल सकते हो। पहले जैसा दिखाया 296 को 124 से डिवाइड कर लो, वही सबसे अच्छा तरीका होगा। कितना होगा इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, इसको अगर 3 मल्टीप्लाई करो इससे ज़्यादा हो जाए, 2 मल्टीप्लाई कर दो 248 और 42, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो 8 और 454 मतलब ये 45 हो गया, 8 8 6 4 5 5 4 9। अब 48 को 48 124 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक 2 2 8 6 16 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 810 28, क्लियर। आप 28 48 को डिवाइड करेगा, इससे 3 मल्टीप्लाई कर ज़्यादा हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर वो भी ज़्यादा हो गया, 1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 48 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई कर दो 28, अभी हो जाएगा 20, क्लियर। आप 20 28 को डिवाइड करेगा 1 हो जाएगा 8 और 8 ये क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा 8 हो गया, आप 20 को 8 डिवाइड करेगा ये हो जाएगा 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा 8 2 16, ओके 4। अब 4 8 को डिवाइड करेगा 4 2 8, तो यहीं तक चलता रहेगा जितना तक ये क्रॉस नहीं आएगा, मतलब ये जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो ये 4 हो गया ए सी एफ इस दोनों का मतलब 124 एंड 296 का ए सी एफ हो गया 4, क्लियर है। तो आप ये 4 डिवाइड करेगा 228 को 4 डिवाइड करेगा, क्लियर। तो 4 डिवाइड करेगा 4 5 4 5 20, ओके कितना हो गया 4 4 5 20, तो कितना हो गया 28 4 7 28, मतलब क्रॉस मतलब रिमाइंडर जीरो हो गया। तो 4 हो गया ए सेफ, तो तीनों का ए सेफ हो गया 4, तीनों का ए सेफ कितना होगा 4। तो 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, सो दैट इज दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच 4 डिवाइड 130 304 एंड 240। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आया था आरबीआई क्लार्क 2008 में आया था क्वेश्चन, ये आया था आरबीआई क्लार्क एग्जाम 2008 में क्वेश्चन आया था, ओके। इसीलिए वीडियो में यहीं तो सेस करता हूँ इस वीडियो में, अगला पार्ट और मिलेगा आपको। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। हैव ए गुड डे।